इधर चलना क्या, ऐसे ऐसे चलेंगे क्या, ऐसे 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 चेन चेन खेल रहे, चेन चेन अंशु चेन से बाहर मत जाओ, अंशु बॉटल के चक्कर में रहता है, अंशु बॉटल क्यों ली, अंशु एक बाल्टी पानी दे दिया, रहो इतना पढ़ाई करने की कहने वाले सबसे अच्छा ही है, नो डाउट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, अरे वाह वाह, ये देखो फ्रेंडशिप का कोई भरोसा नहीं, डिनर से पहले तक यहाँ ही रहना है, क्या होगा पता नहीं, ठिठुर के मर जाएंगे लग रहा है, बहुत खा चुका है इसीलिए उसका तुम लोग बहुत काफी कैरियर करते हो, तुम लोग के साथ कभी व्लॉग नहीं बनाना है मेरे को। सर अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राजीव गोगोई, उनसे हमारी बात हुई, मैं चाह रहा था कल के लिए, कल लंबा समय दो, लेकिन उन्होंने कहा कि सैटरडे यहाँ छुट्टी होती है, नहीं वो संभव नहीं होगा, और संडे तो खैर छुट्टी है ही, तो उन्होंने कहा कि आप फिर थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आप जल्दी से आ जाइए, हमने कहा 4 बजे, नहीं 4 बजे बहुत लेट होगा, फिर हम कुछ बता नहीं पाएंगे, 3 बजे तक आ जाएंगे, 3 तो ये 3:15 तो यहाँ बज रहा है, तो अभी हम निकल रहे हैं, जल्दी निकल रहे हैं, और जल्दी जल्दी हम लोग चले, ठीक हाँ। है कुछ नहीं, व्हाइट लाइन है तो क्या करें, बट उधर से गाड़ी बहुत स्पीड में पावर में चढ़ाई है, तो थोड़ा साइड हो। हेलो रौनक, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है, चलो हाँ हो गया, अंशुल अंशुल के साथ हम लोग चेन चेन खेल रहे, चेन चेन अंशु चेन से बाहर मत जाओ, बहुत चढ़ना है, नहीं हो रहा व्हाइट लाइन चला रहा चेन बहुत सुंदर प्लेस है, यहाँ पे हर चीज सुंदर है, इंसान भी, जगह भी, और यहाँ के कुत्ते भी, कुत्ते भी। अरे वो चेंज बनाओ, पहले बैक कैम से ले रहे, अब वहाँ चलो, उसके बाद देर हो रहा है ना, तुम ना लेंस ना अपना सूटकेस में बस रखो, अंशु तो मेरा पानी तो थोड़ा सा पीना है प्लीज, हम लोग पकड़ना पड़ेगा, नहीं थोड़ा देर के लिए, चल हम बात, अंशु बॉटल के चक्कर में रहता है, अंशु बॉटल क्यों ली, अंशु एक बाल्टी पानी दे दिया, रहो 50 रुपए में मिला है पता है तुमको, 10-10 रुपए सबको दे देना, चंदा करेंगे ना अभी हम जाके, 5 रुपए जो मांगे, जो पानी पिएगा एक घूट का 5 रुपया है, 4 रुपया मजदूरी का काटेंगे, चलो हमें लगता है कि हम 10 किलोमीटर चल चुके होंगे, हम लोग कब से चल रहे हैं, देखिए जो लड़की खुद में देखी वो दूसरे में देखने बोलती है, और अभी बहुत सुंदर रास्ता है, रोड भी कितना सुंदर है, मन कर रहा है कैथरीन को मन कर रहा है इस पे सोने का, देखो कितना मस्त लग रहा है, प्लीज प्लीज हमको थोड़ा राइट ही रखो, लो इधर नहीं नहीं कैथरीन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बस स्टॉप है, बट ये बस स्टॉप नहीं है, जिसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में है, और पूरे भारत में 10 रीजनल सेंटर्स हैं,
एक और नया रीजनल सेंटर सोलांग में अभी खुला है जो हिमालयन रेंज को कवर कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा रीजनल सेंटर्स है, जैसे ये गैंगटॉक का एक रीजनल सेंटर है जो सिक्किम पूरे स्टेट को कवर करता है और दार्जिलिंग हिमालय को भी कवर करता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो शिलोंग में है, ईटानगर में है, साउथ में अगर जाएं तो कोयम्बटूर में है, हैदराबाद में है, अंडमान निकोबार में है, वेस्टर्न सर्कल पुणे में है, जोधपुर में है हमारा एरिड जोन सर्कल है। उसके अलावा दिल्ली नोएडा में हमारा एक बॉटनी गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक BGIER है जो उस एरिया के प्लांट्स के एक्सीटू कंजर्वेशन पे काम कर रहा है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में इलाहाबाद में हमारा सेंट्रल रीजनल सर्कल ऑफिस है। ये टोटल 10 रीजनल सेंटर्स हमारे BSI के हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे एक सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी है जिसको CBL कहते हैं, किस प्लांट्स में किस प्रकार का केमिकल्स मिलता है, कैसा ड्रग्स मिलता है, वो किस टाइप से यूटिलाइज हो सकता है मैनकाइंड के लिए, ये पूरा जो केमिकल एनालिसिस का जो काम है वो सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी देखती है। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडियन म्यूजियम वो भी कलकत्ता में है जो किस किस प्लांट्स का क्या यूज है, मतलब लोग कैसे यूज करते हैं उसको वहां पर डिस्प्ले करके रखा गया है, उसके ऊपर जिसको हम लोग इतनो बॉटनी बोलते हैं उसके ऊपर स्टडी होती है। एसिड फ्री पेपर है। एसिड पेपर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कुछ दिन वो ब्रिटल हो जाता है, टूटता है, ये पापड़ की तरह जो है ना वो टूटता है, बट ये टूटेगा नहीं, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, हैंडमेड है एंड लॉट ऑफ दिस फाइबर्स आर देयर, ऑर्गेनिक फाइबर्स आर देयर, ये काफी फ्लेक्सिबल है। हाँ जी, मॉइस्चर फ्री करने के लिए हम लोग वो रखते हैं, पैलेट्स रखते हैं, हाँ सिलिका जेल वो पैलेट्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये दिखाई पैलेट्स, ये है 42 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, ये इंटरनेशनली यही साइज हम लोग यूज करते हैं 30। ये ब्लॉटिंग सीट हम लोग यूज करते हैं, इसे रीयूजेबल, मतलब एक बार यूज होता है फिर इसको ड्राई करते हैं फिर यूज करते हैं। इसका पर्पस यही होता है कि जो भी प्लांट के अंदर जो मॉइस्चर है ना, जब हम लोग ओरिजिनल प्लांट जब करेक्शन करके ला रहे हैं तो उसको ड्राई करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि आपका स्पेसिमेंस का हेल्थ फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्योंकि जब कलेक्शन होता है लॉट ऑफ मॉइस्चर रहता है, काफी प्रिकॉशन ये लेते हैं, इनको मास्क यूज करना पड़ता है, ग्लव्स यूज करना पड़ता है, बिकॉज ये मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है। अभी हम लोग भी इसको बंद कर रहे हैं, इसके जगह पे दूसरा जो डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, बट स्टिल यहाँ पर अभी भी यही यूज हो रहा है। तो पॉइजनिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब कोई प्लांट्स हम लोग कलेक्शन करके लाते हैं तो मे बी उसमें बहुत सारा स्पोर्ट्स, फंजाई का स्पोर्ट्स रह सकता है, इंसेक्ट्स का एग रह सकता है, तो पॉइजनिंग के बाद क्या होता है कि वो लगभग ऑलमोस्ट किल हो जाता है। पॉइजनिंग के बाद फिर उसको एक बार ड्राई करते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल में एक सॉल्यूशन बना हुआ है 95% अल्कोहल में, तो उसको फिर से वो ड्राई करते हैं ब्लॉटिंग सीट के अंदर डाल के, और जब पूरा ड्राई हो जाता है तब इनका मेन काम जो है, ये हमारे संतोष भैया हैं, ये एक्सपर्ट हैं इसी फील्ड में, कि प्लांट को कैसे माउंट करना है, बिकॉज दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो तो रिसर्च करेंगे बाद में, लेकिन अगर स्पेसिमेन सही से माउंट नहीं होगा तो फिर वो रिसर्च बाद में होगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि क्या प्लांट था। तो प्लांट को कितना साइज में डालना है, किस एंगल में डालना है, कुछ पत्ते सीधे लगाए जाते हैं, कुछ को जान के उल्टा लगाया जाता है, ताकि लोअर साइड में जो उसका एरेक्शन साइड है, वेबेक्सल साइड का टेक्सचर कैसा है, हेरी है क्या है, वेरिएशन पैटर्न कैसा है, ये सारा डिटेल्स इस पे आना चाहिए।
फ्लावर फ्रूट्स को स्पेशल केयर लिया जाता है ताकि वो बाद में हम लोग फिर से उसको स्टडी कर सके। और अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिमेन है तो उसको हम लोग एक पाउच के रूप में यहाँ डाल के रखते हैं। अगर ज्यादा लीफ है, फ्रूट है, सीड है या इसमें से टूट के कुछ अलग हो गया है तो उसको हम लोग डाल देते हैं पाउच में, क्योंकि वो फर्दर रिसर्च के टाइम में वो काफी काम में आता है। ये लेबल ये लगा के रेडी कर देते हैं। यहाँ एक्सेसन के लिए भी एक स्लिप लगा दिया गया है, तो इनका ये काम कंप्लीट है। अभी इसमें एक काम और बाकी है, स्टिचिंग का, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ग्लू यूज करते हैं वो रेजिन ग्लू बोला जाता है, तो उसका भी एक लाइफ है। आफ्टर 30-40-50 ईयर्स के बाद क्या होता है कि वो ग्लू बिल्कुल पेपर के साथ ही स्टिक करके रह जाता है, वो स्पेसिमेन अलग हो जाता है। तो इसके ये मतलब फ्यूचर में ये स्पेसिमेन डैमेज ना हो तो मेन पॉइंट्स पे क्या होता है कि उसको स्टिचिंग किया जाता है। अभी स्टिचिंग करके भी ये काम इसका रेडी हो गया है, ठीक है। ये स्टिच कर दिया गया है, रूट है, ये मोटा पोर्शन है, इसको फिक्स करके रखना है। जहां जहां पे इनको लगा है कि भाई ये सारा जगह सेंसिटिव है, ये स्टिच करेंगे तो अगर फ्यूचर में इसका जो ग्लू है अंदर वाला अगर वो चला भी जाए तो स्पेसिमेन अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो ये इन्होंने इसको रेडी कर दिया। अभी इसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन के लिए और बाकी जो फील्ड डेटा जो है उसके लिए ये जाता है। और ये पूरा होने के बाद जब इसका रिसर्च वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये हर्बेरियम में जाके पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए इसका जो वहां पे फोल्डर होगा उस फोल्डर में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, ये टेक्निकल सेक्शन के थ्रू होता है। तो कह सकते हैं कि अगर हमारा हर्बेरियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो टेक्निकल सेक्शन जो है उस हर्बेरियम की जान है, मतलब जो चीज है वो यहीं पे होता है। और जैसे हम लोग कभी हर्बेरियम कंसल्ट करते हैं, अगर कोई स्पेसिमेन कुछ डैमेज होता हुआ दिखता है तो वो फिर इसी सेक्शन में रेफर होता है। यहाँ पर उसको वो रीमाउंट करते हैं या रीस्टिच करते हैं, या अगर वो हर्बेरियम स्पेसिमेन कोई कारण से डैमेज हो गया है, कभी कभी क्या होता है कि वो चूहा काट देता है, होता है ऐसा, ठीक है, या कोई पोर्शन अगर कोई कारण से डैमेज हो गया है तो उसको फिर से वो फ्रेशली एक शीट के ऊपर में इसको फिर से लगा देते हैं, ठीक है। कॉशन कुछ लेना तो प्रिकॉशनरी कुछ ऐसा, एज इन बिकॉज़ जैसे इफ आई एम हैंडलिंग इट, इफ आई एम हैंडलिंग द पेपर, तो मेरे स्किन के ऑयल से भी हो सकता है कि कुछ इसमें डैमेज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ये तो बहुत रेयर कलेक्शन है, क्योंकि हम एक प्लांट एक फील्ड से लेके आ रहे हैं, पता चला ऐसे जगह से लेके आए जहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम विजिट ना कर पाए या बहुत मुश्किल हो, तो एक एक स्पेसिमेन बहुत कॉस्टली है और बहुत केयरफुली हमको हैंडल करना पड़ता है। अभी मैं जैसे अभी उठा के ऐसे वैसे दिखा रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द प्रोटोकॉल, ठीक है। हर्बेरियम को हमेशा दोनों हाथ से पकड़ना है ताकि कोई भी तरीके से ये टूटे ना, फोल्ड ना हो, टूटे ना। ये चूंकि फ्रेश है तो अभी नहीं टूटेगा, बट ये थोड़ा अगर पुराना होगा तो वो थोड़ा सा स्पेसिमेन डैमेज होने का चांस रहता है, तो वो केयर तो डेफिनेटली लेना रहता है फर्स्ट। सेकंड होता है जो आपने कहा मैडम कि कुछ ऑयल नहीं लगना है, किसी प्रकार का कोई केमिकल्स वाटर नहीं लगना है, ये सारा केयर तो मैडम हमको लेना रहता है। और एक अपना प्रिकॉशन होता है, क्योंकि ये पॉइजन्ड है, मर्क्यूरी क्लोराइड वाला मामला है यहाँ पर, तो हम लोग यूजुअली हर्बेरियम हैंडल करने के टाइम में ग्लव्स यूज करते हैं। और अगर ग्लव्स यूज नहीं कर रहे हैं तो आफ्टर हैंडलिंग द हर्बेरियम हम लोग को प्रॉपरली हैंड वॉश करना रहता है, ठीक है। ये सारा प्रिकॉशन है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर लगभग यही है। और जब भी जैसे हर्बेरियम को अगर हम लोग कहीं मूव कर रहे हैं तो हम लोग एक बेस प्लेट यूज करते हैं कि उसके ऊपर ही रख के लेके जाना है, ऐसे इसको ओपनली नहीं लेके जाना है, ताकि इसको एक नीचे से सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। तो जितना केयर ले सकते हैं, जैसे हर्बेरियम फोल्डर के अंदर हम लोग देखते हैं तो कभी भी ऐसे एल्बम की तरफ या पेपर ये एक एक को उठा के ऐसे रखना है और फिर ऐसे रखना है। फॉर एग्जांपल ये हर्बेरियम है और फिर ये ऐसे नहीं आएगा, वापस वो उसी सिक्वेंस में ही वो आएगा, क्योंकि ये सीरियल नंबर एक्सेशन नंबर रहता है या वो बारकोड का सीरियल नंबर रहता है, तो वो मेंटेन हो उसके लिए हम लोग उसको फिर उसी तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्रॉटिंग सीट के बीच में डाल के स्पेसिमेन डाल के उसको टाइटली बांधा जाता है और फिर उसको चेंज किया जाता है। और एक कभी कभी हम लोग ये मेटल वाला यूज करते हैं, इसका एक एडवांटेज ये है, ये थोड़ा कम स्पेसिमेन के साथ इसको यूज करते हैं, इसका एडवांटेज ये है कि स्पेसिमेन में प्रॉपर एरेशन होता रहता है तो स्पेसिमेन ड्राई इजीली होता है। इसमें क्या है कि एक बार बांध दिए तो पूरा चोक्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो वेवी है तो अंदर में एयर का सर्कुलेशन होता रहता है, तो अगर थोड़ा कलेक्शन है, डेलिकेट प्लांट है, तो हम लोग इस टाइप का बोर्ड भी हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज हार्डी तो यही वाला है, तो ये तो बहुत ही यूज होता है। इतना बिजी थे कि सुबह से अभी मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर लिए यस। इतना पढ़ाई करने के बाद सबसे अच्छा ही है।
सो हुआ कुछ ऐसा हमारे साथ कि बहुत गंदे से ठंडा लग रहा है। सुबह में हम जैकेट लेकर आए थे एंड उसके बाद जैकेट का कोई यूज़ नहीं था, अभी मैं जैकेट लाना भूल ही नहीं, मैंने जान बुझ के छोड़ दिया जैकेट, तो मुझे जैसे कि हमने दिया है पहनने के लिए, वरना पता नहीं क्या होता है ना, अभी भी बहुत ठंड लग रही है कान में भी, पर किसी को बोल नहीं रही, जिसे बोलूँगी वो डांट पड़ेगा क्योंकि बोला गया था लेना जैकेट, बट मुझे नहीं पता था कि इतना शाम हो जाएगा। हमें लगा हम फिर वापस आएंगे जैसे सुबह में वापस आ गए थे, अभी पता चल रहा है कि रात शायद रात तक डिनर से पहले तक यहाँ ही रहना है, क्या होगा पता नहीं, ठिठुर के मर जाएंगे लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड गिर रहा है ऊपर से, और हम लोगों ने बहुत सारे गार्डन देखा और रौनक का खूब मज़ा किया। जैसे कि मैम का डेनिम पहन के तो रौनक खूब खुश है, इसके लिए दो बार कूदेगी। चर्चा हटाने के बाद कुछ नहीं दिखा, कितना डम है, रौनक अंकुश अपना कभी खर्चा नहीं करता। अभी रात हो गया है एंड हम जा रहे हैं। सो आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, हम टॉप में हैं एंड वहाँ से नीचे का व्यू कितना सुंदर आ रहा है, लाइक फ़ोन में अच्छे से आ भी नहीं रहा, जो मैं अपने नेकेड आई से देख सकती हूँ वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। चुके बहुत थक हार के एंड अब चेंज करके मिलती हूँ आप लोगों से। सो मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया एंड खाना भी खा लिया एंड उससे पहले चाउमीन एंड चाय लिया था एंड खाना खा लिया एंड रिकॉर्डिंग से नहीं कर पाया क्योंकि बहुत थक गई थी एंड फोन डिस्चार्ज था तो चार्ज में लगा कर चली गई थी, आई एम रियली सॉरी। ऐसे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था बट फिर मुझे लेना चाहिए था क्योंकि मैं ले रही थी, बट सॉरी मैं इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था, मैंने बता दिया एंड बस आज तो बस इतना ही हुआ, अगर कुछ और होगा तो शेयर कर दूंगी, वरना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कीप सपोर्टिंग एज यू ऑलवेज डू। लव यू ऑल, बाय।